जिला अस्पताल में इलाज करा रहे सर्जरी के मरीजों और अस्पताल में इमरजेंसी में दिखाने आए मरीजों और भर्ती मरीजों की जांच के लिए शासन द्वारा कोविड 19 की जांच से निजात दिलाने के लिए जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन 5 जून से ही शुरू हो गई है, जिससे कोरोना की जांच की रिपोर्ट चंद घंटे में ही उपलब्ध हो जा रही है। इस जांच को कोरोना के लिए सीनियर लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रूनेट मशीन की क्षमता के अनुसार प्रतिदिन 7 से 8 जाँच की जा रही है। अब तक कुल 30 जाँच हमारे जिला अस्पताल में की जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, हमारी ट्रूनेट मशीन जो है 5 तारीख से कार्यरत है और डेली इसमें कुछ न कुछ जांचें होती रहती हैं। कुल हमारे जांचें जो है आज कर मिला करके 30 जांचें हो रही हैं। कल तक 25 हुई थी, आज 5 जांचें लगी हुई हैं और 30 जांचें हो रही हैं। करीब करीब उसका जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग जो है कर रहे हैं और डेली जो है 5, 7, 9 जांचें हो जाती हैं। ये जो जांचें हैं इसमें जो सर्जरी होने वाले मरीज थे वही हैं या इसके अलावा भी कोई मरीज? जो मरीज वार्ड के हैं या जो सीरियस मरीज हैं जिनका हमको जरूरत कराने की आवश्यकता होती है और प्लस जो है जो सर्जिकल मरीज जिनका ऑपरेशन होना है या आर्थो के हों या इमरजेंसी के हों या सर्जरी के हों, उनकी जांचें हम ट्रूनेट से करा रहे हैं।